10 की 10 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? 10 की 10 नहीं, 11 लड़ रहे हैं भाई जी। क्या माहौल दिख रहा है? करनाल की विधानसभा भी लड़ रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स है, बाकी तो प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है। क्या मुद्दे लेकर चल रही है जजपा? मुद्दे अनेक हैं, जो हम अपना मैनिफेस्टो जब जारी करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे। बीजेपी 10 के 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी तो 400 पार का नारा भी लगा रही है, 75 पार का भी लगाया था। स्थिति क्या है वो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या समीकरण देखते हैं आप? गठबंधन टूटने के बाद नहीं, गठबंधन से पहले भी हमने अलग से चुनाव लड़ा था। गठबंधन तो हमारी शर्तों पे हमने हरियाणा प्रदेश के विकास हेतु किया था और हमने अपनी कंडीशंस पे किया था, जिनमें से 90% हमने सरकार में रहते हुए पूरी करवाने का काम किया। एक पे हमारा मामला बिगड़ा तब हम गठबंधन से अलग। अब दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे के 7 मई को होने, दो चरणों के बाद आप पूरे देश की स्थिति किस तरह से देखते हैं? अब देश की स्थिति का आंकलन करने का पैमाना मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं तो हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हूँ, पर यहाँ का कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वप्न देख रही है वो उनके साकार नहीं होंगे। आपकी धर्मपत्नी नैना चौटाला जी भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, हिसार से, क्या समीकरण देखते हैं? चौटाला वर्सेस चौटाला ही सारे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ? नहीं, जयप्रकाश भी है वहाँ मैदान में, सारे चौटाला वर्सेस चौटाला थोड़ी है। स्थिति तो आपका आंकलन करने का तरीका है, हम तो पब्लिक में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर के, फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। एक भाई साहब, गठबंधन से बाहर आने के बाद लगातार दुष्यंत को टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या मानते हैं, क्यों इस तरह से बयानबाजी की जा रही है? वो तो उनसे पूछो क्यों कर रहे हैं, जो करते हैं उन्हीं से पूछो ना, हमसे क्या पूछना है। हम तो कहते हैं अगर कोई बात है तो फाइल उनके पास है, जांच वो करने वाले हैं, करो ना। फिर रोज रोज बयान दे करके लोगों को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? मनोहर लाल जी अब सीएम नहीं है, लेकिन फीलिंग अभी भी सीएम साहब की ले रहे हैं। सीएम नहीं, वो आम मतदाता है, विधायक भी नहीं है अब, और वो बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के ख्वाब की, चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से आदेश करते हैं उस तरीके से जांच करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, उनकी हैसियत क्या है पहले वो अपनी हैसियत तो बताएं। गांव में किसान विरोध कर रहे हैं कुछ उम्मीदवारों का, मुझे तो कहीं कोई विरोध लगा नहीं, मैं तो निरंतर फील्ड में हूं, और एक दो जगह अगर कोई किसान आए तो हमने बातचीत करके उनका जवाब दिया है।